हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक्सेल के इस कोर्स में हम देखेंगे आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, कि जो कि हमारा होम पेज होता है उस पर हम देखते हैं कि बहुत सारे आइकन्स होते हैं, सो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं एक्सेल में एंड क्या इसकी फंक्शनलिटी होती है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर जो भी हम चाहते हैं कि जो कि टॉप स्टूडेंट हैं उनको हाईलाइट कर दो, या जो जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं ग्वालियर के, तो एक पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं कि मतलब हमें पता लग जाए, तो कंडीशनल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका यूज कैसे होता है हमारे एक्सेल सीट में। मैंने आपको एक डेटा शो करके दिखाया जिसमें स्टूडेंट नेम, सिटी, सेक्शन एंड स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या फंक्शनलिटी यूज़ होती है एंड कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ए मार्क्स वाली सिलेक्टेड सेल को सिलेक्टेड किया एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा वार्स, कलर स्केल एंड आइकन सेट्स। तो यहाँ पे हम एक एक करके सबका यूज़ देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे गए तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे भी इसके ऑप्शन हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डेट कंटेंट। तो हम ग्रेटर दैन को इसमें अप्लाई करके देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। तो ग्रेटर दैन पे गए, इसमें आ रहा है यहाँ पे 79। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें अपना रूल लगाना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। तो इसमें तो 79 हमें चाहिए, अगर 90 से ज़्यादा हमें चाहिए कि 90 से ज़्यादा जैसे इसके मार्क्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पे उसको टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं एंड कस्टम फॉर्मेट को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में गए थे एंड यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखेंगे क्या इसमें चेंजेस होते हैं एंड ओके। आप देखो यही होता है कंडीशनल फॉर्मेट में कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था कि जहाँ जहाँ 90 से ज़्यादा मार्क्स के वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाए। तो जहाँ जहाँ हमारे 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं वहाँ पे हाईलाइट हो गया, यहाँ पे 92, 99, 93 एंड 99। देखो कितना अच्छा यूज होने वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आगे के टेक्स्ट में। सो हम देखते हैं क्या होता है। अगर देखो यहाँ पे हमारा 90 है, अगर मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, इसको 91 कर दिया 90 से, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो सेल है ना वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल लगा के रखा है कि यहाँ पे 90 से ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स के सेल को हाईलाइट करते हैं रेड कलर, वो ग्रीन कलर में। यहाँ पे मैंने 91 किया तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। अब हम इसको क्लियर कैसे करते हैं, मैंने सारे रो को एक सेकंड सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर रूल्स का, अगर मैं यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, अगर मैंने यहाँ भी इस वाली रो में एंड इस वाली रो में भी अप्लाई किया होता तो हमें एंटायर सीट पे क्लिक करते हैं तो क्लियर रूल हमारा पूरी एंटायर सीट से सारे कलर्स को क्लियर कर देगा जहाँ पे हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी होती है। एंड हमने सिलेक्टेड सेल पे क्लियर करेंगे तो ओनली जहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया होगा पूरी रो को वहाँ से क्लियर कर देगा। तो मैं सिलेक्टेड सेल पे करता हूँ तो वहाँ से हमारा क्लियर हो गया डेटा। ऐसे ही हम यहाँ टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल है, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट डेट कंटेंट्स है, यहाँ पे जाते हैं एक सेकेंड, हाँ इस वाली रो को, सिटी वाली रो को मैंने सिलेक्ट किया एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे गए एंड मैंने टेक्स्ट डेट कंटेंट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन देते हैं, जैसे यहाँ पे दिल्ली, चलो दे दिया मैंने, कहा हाँ यहाँ दिल्ली के स्टूडेंट हैं, उस दिल्ली वाली सिटी को हाईलाइट कर दें। तो मैं यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में गए एंड देन इसको रेड कलर में कर दिया देन ओके। अब देखो जहाँ जहाँ हमारा डेली था वहाँ वहाँ उसको हाईलाइट कर दिया। अब हम और रूल देखते हैं इसके, देखो डेटा वार्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग डेटा वार्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे गए, यहाँ पे डेटा वार्स हैं, यहाँ पे मैंने डेटा वार्स सिलेक्ट करके दिखा दिया। अब देखो जहाँ जहाँ हमारे ज़्यादा मार्क्स हैं तो वहाँ वहाँ उसके अकॉर्डिंग ही डेटा को दिखा रहा है कि जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पूरा फिल है एंड जहाँ सबसे कम है वहाँ सबसे कम फिल दिखा रहा है। तो हम ऐसे डेटा वार्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एंटायर क्लियर का दिखाता हूँ, जहाँ यहाँ पे क्लियर रूल से मैंने क्लियर कर दिया एंटायर सीट से, जहाँ जहाँ अप्लाई हुई थी कंडीशन फॉर्मेटिंग वहाँ से सारा क्लियर हो गया। सो गाइस आप यहाँ से इसके और भी
फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आइकन सेट कर सकते हैं पूरी। जैसे हमने रूल लगाया था 90 से ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स को हाईलाइट करते रेड कलर में, तो आप वहाँ पे आइकन भी सेट कर सकते हैं कि 90 से ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स पर हाईलाइट कर दो, कोई आइकन्स लगा दो, वहाँ पे आप आइकन भी लगा सकते हैं एंड कलर्स स्केल भी कर सकते हैं। डेटा बार्स तो मैंने दिखाई दिया, टॉप बॉटम रूल से हैं यहाँ पर टॉप 10 आइटम सम कहीं भी जाते हैं तो कह नहीं देते कि टॉप 10 स्टूडेंट एंड कॉलेज की टॉप 10 स्टूडेंट तो वहाँ पर हाईलाइट कर दो, तो यहाँ से टॉप 10 आइटम का टॉप बॉटम टॉप 10% सारे रूल यूज कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में सारे रूल्स के बारे में। एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे एंड फर्दर वीडियो में और भी टिप्स लेकर आएंगे और भी रूल्स आपको सिखाएंगे। थैंक यू गाइस।